तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड यंगसंग यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे ना कि पेटीएम के थ्रू किस तरह से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके बैलेंस ट्रांसफर कर पाएंगे, पैसे भेज पाएंगे, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो जेन्युइन तरीका, जो सही तरीका है, वही सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को हमको ओपन कर लेना है। कहीं भी हम दुकान वगैरह पे जाते हैं ना, तो अक्सर आजकल क्यूआर कोड का जमाना चल रहा है, क्यूआर कोड रहता है, उसको हम स्कैन कैसे करें और सही तरीके से कैसे करें, क्योंकि कहीं हमारा पैसा दूसरे के खाते में ना जाए, तो हमको सही से स्कैन करना जानना चाहिए। ठीक है, हमको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा स्कैन एनी क्यूआर का, हमको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा कैमरा इस तरह से ओपन होता है, और जैसा आप देख पा रहे साइड में मैं यहाँ पे क्यूआर कोड दिखा रहा हूँ, वो क्यूआर कोड इस तरह से दिखता है। लेकिन हम लोग क्यूआर कोड स्कैन कैसे करते हैं, गलती वही हम लोग करते हैं। ये जो चार कोन का स्क्वायर बना है ना, सर्किल बना है ना, इसके अंदर जो साइड में चार कोन का दिखा रहा हूँ ना क्यूआर कोड, इसके अंदर ऐसे आ जाना चाहिए, इस छोटे से बॉक्स में उसको सेट कर लेना है, तभी वो स्कैन होगा। स्कैन करने का सबसे बेटर तरीका यही है, यानी जो चार कोन का सर्किल बना है, स्क्वायर बना है ना, इसके अंदर वो क्यूआर कोड आना जाना चाहिए, जो ब्लैक वाला साइड में आप देख पा रहे हो, तभी स्कैन हो जाएगा। और स्कैन होने के बाद हमारे सामने ना इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आई मैं बताता हूँ किस तरह से, तो आपको कैसे बैलेंस ट्रांसफर करना है मैं बताता हूँ। जैसे क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा ना, इस तरह से उनका नाम ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो उनका नाम पढ़ लीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा, क्लियर करिएगा, ओके करिएगा, ऊपर भी नाम दिखाएगा, कितना पैसा भेजना है भरिएगा, पे पे क्लिक करिएगा, और अपना यहाँ पे क्यूआर कोड के मदद से आप पैसा आसानी से भेज लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, अपना पासवर्ड वगैरह भर के। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफी पसंद आए होगा, यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।